आपके साथ डील करूंगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या, ये एक तरीके से वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हुआ है। इसकी फिलॉसफी होती है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको इकट्ठे लेकर चलना ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो सके। तो इट इज़ अ फिलॉसफी दैट इज डिज़ाइंड इट इज़ अ फिलॉसफी दैट इज डिज़ाइन टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन फास्टर, फ्लेक्सिबल, फोकस्ड एंड फ्रेंडली। इट इज अ इट इज़ अ फिलॉसफी दैट इज़ डिज़ाइन टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन फास्टर, किस लिए बनाई जाती है, ताकि वो फास्टर, फ्लेक्सिबल, फोकस्ड और फ्रेंडली हो सके। उसे मैंने आपको क्वेश्चन में भी समझाया, ठीक है। इट लीड्स टू अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट फोकस ईच एम्प्लॉई ऑन द कस्टमर। बेसिकली ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इसका मेन गोल जो है, जो मेन निशाना है, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, और उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रोसेसेस इंटीग्रेट करी जाती हैं। तो उसकी आपको 10 डेफिनेशन दी गई, इनमें से आप कोई भी एक या दो डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर सकते हो। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर लियोपार्ड एस वसीन की, टोटल TQM शॉर्ट फॉर्म, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन processes of an organization to best satisfy customers' need in the most economical manner। मतलब क्या है, ट्रांसफर जो प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिसके थ्रू सारा काम चलता है, वो इस तरीके से किया जाए कि इकोनॉमिकली, मतलब कि उनका उनकी पॉकेट को ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए और क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहे। दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या लिखा हुआ है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एट एवरी लेवल इन ऑल एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सब लेवल्स पे, सब एरियाज के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क किया जाए ताकि कस्टमर्स की नीड्स की सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, ऑफ ऑल फंक्शन प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वो गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं उसकी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहे और कस्टमर की नीड्स का पता, हमारी इंप्रूवमेंट कब होगी, जब हमें कस्टमर की नीड पता चलेगी, है ना। तो ये जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या फिर कोई भी आपका जो एक सिंपल एक आपका किराने वाला भी है, वो भी कस्टमर की नीड्स को देखते हुए कि अच्छा है, मेरे कस्टमर को यहाँ पे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ये अपनी शॉप में ये चीज़ें रखनी होंगी और इतना जो मेरे एरिया के पर्सन है इतना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सामान ला कर रखूँ। जहाँ पर पता होगा कि हाँ ये तो भाई लाखों खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे दुकान भी वैसी खुलेगी। जहाँ पता है कि वो हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सामान भी वैसा ही रखेंगे। तो क्वालिटी और नीड दोनों को मैनेज करके चलना, दैट इज़ कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेड होती है। इसका पहला फीचर क्या है, इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू सिस्टमैटिकली मैनेज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द ऑन गोइंग पार्टिसिपेशन ऑफ द इम्प्लॉयज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स थ्रू अक्रॉस फंक्शनल एंड हायरार्किकल बाउंड्रीज। ठीक है, तो सारी बातें करके आपने शॉर्ट में ये लिखना है कि पहले आपने बताना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट की गई है। सबसे पहले इसको जापान में फील किया गया, जापान में इसकी नीड को देखा गया, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे अपनाया गया। उसके अकॉर्डिंगली क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हुए कस्टमर की नीड्स की सेटिस्फेक्शन करना इन एन इकोनॉमिकल मैनर, पैसे के साथ उनके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना विद क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, दैट इज़ कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये कस्टमर ओरिएंटेड है, तो ये कौन सी है, कस्टमर ओरिएंटेड। और इसके ऊपर ऑब्वियसली कस्टमर्स की नीड बदलती रहती है, इसलिए हमें इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट करना पड़ता है ताकि हमारे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई होते रहें और हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती रहे। जो नहीं मीट कर पाएगी वो पीछे रह जाएगी। ओके, थैंक यू।